চিন্তাচোন লামডিং আরপিএফ বহুত চাউটত আৰু যিহেতু আজি তেওঁলোকে ৰেলত মানে ৰেলৰ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে চুৰি কৰা তেওঁলোকে ধৰিছিলে আৰু গাড়ী এখন আছে গাড়ীটো তেওঁলোকে ছিগনেলৰ টেলিকমত ব্যৱহাৰ কৰা তেওঁলোকে কেবুলবিলাক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কি ধৰণে তেওঁলোকে মানে ৰেল আৰপিএফ আৰক্ষী বাহিনী কি ধৰণে তেওঁলোকে মানে গাড়ীখিনি চুৰি কৰা কেবুলবিলাক লৈ গৈ আছিলে সেই বিষয়ে মই কিছু কথা মই বিৱৰণ তেওঁলোকক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আজ হম লোক দেখে এক মতলব গাড়ি চুরি কিয়া হওয়া মতলব উসমে রেলওয়ে কা সিগনাল কা কেবল ভি কা তো উসকা বারে মে কিয়া বলেগে কেসে পকতা হ্যায় উসকে বারে মে কো আপকো কম শাম কো সোর্স ইনফরমেশন মিলা থা যে এক পিকআপ ভ্যান গাড়ি নম্বর আপকো AS02AC0766 হ্যায় মতলব বলা হে মাল উঠাকর অর লঙ্কা যা রা হ্যায় सोर्स इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं आई पी एफ सातवें सब इंस्पेक्टर और स्टाफ और सी आई बी टीम को लेकर हम लोग वहाँ एम्बुस किए लामडिंग नियर पुलिस स्टेशन के पास और गाड़ी को हम लोग वहाँ पर इंटरसेप्ट किए। तो सर गाड़ी के साथ आप लोगों को कितना आदमी मिला है ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ और दो आदमी मिला यानी तीन आदमी मिला, एक ड्राइवर है और तो सर हम लोग को सुनने में एक खबर मिला है जो ये गाड़ी का जो ड्राइवर था मतलब वो तो इंडियन है ड्राइवर लेकिन उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है आप लोगों को, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके पास जो लाइसेंस था वो इंडिया का नहीं है, अभी इंडिया का लाइसेंस वो हमारे पास आपको अपॉर्चुनिट है, उसके पास एक लाइसेंस है जो सऊदी अरब। तो अभी आप लोगों का आगे का कार्रवाई क्या होगा? ये जो सामना मिला है रेलवे का चोरी हुआ का सामना मिला, आगे का कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? इसको आरपीपीएड में हम लोग केस रजिस्टर करके और वो इतनी पकड़ाया है तो गाड़ी सीज हो चुका है और सामान भी सीज हो गया है और एसएससी की फोन के साथ हम लोग टोटल सामान का इन्वेंट्री भी बना चुके हैं और वो तीनों जो पकड़ा हुआ आसामी को हम लोग भारतीय रेलवे कोर्ट में कल सुबह में। तो सर आपसे हम लोग एक बार जानने का कोशिश करेंगे कितना दिन पहले आप लोग का जो गाडर का जो है वो भी चोरी हुआ सामना आप लोग रेस्क्यू किया था, आप लोग उसको भी मिले तो फिर आज मिला है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये जो रेलवे का जो सामना का चोरी घटना हो रहा है हमको जानकारी नहीं है। मैं यहाँ 13/7/2018 को फोन दिखे।